my dear friends. I welcome you all to our channel, which is Best Notes Tutorials. And today we are going to discuss few important tips on English speaking. Actually, we get maximum questions on this topic from our viewers. So today I have decided to discuss 5 important points, practical points, okay? I'm not going to discuss something theoretical which are useless for you all in English speaking, all right? The tips that I had experienced, the tips that I had followed, okay, the instructions which I received from my teachers, all right, and my colleagues, my friends, I'm going to discuss all those things to you all so that you all can also be benefited. So first of all, the point that you can see out here is understanding the importance of English. It is not hidden from anyone why English is very important. Okay, हम लोग जहाँ पे भी जाते हैं English का ही बोलबाला है, ठीक है? बिना English के हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते. English में interview देना, English में question paper आना, English में जो भी सामान है उसका price tag से लेके उसका description सभी English में होता है. तो अगर हम लोग इंग्लिश को सेक्लूड कर दे, उसको अपनी जिंदगी से अलग कर दे, तो हम लोग खुद ही अलग हो जाएंगे. क्योंकि इन दिस मॉडर्न वर्ल्ड यू नो मैक्सिमम कन्वर्सेशन इज डन इन इंग्लिश, सो वी हैव टू बी अक्वेंटेड विद दिस लैंग्वेज एनी हाउ. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इम्पोर्टेंस हम लोग को पता करना है. इम्पोर्टेंस पता करने के बाद में हम लोगों को देखना है कि हम लोग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं. ठीक है, कोई भी चीज सीखने से पहले आपको ये ध्यान देना है कि आप क्यों सीखना चाहते हैं. अगर आपको उससे कुछ बेनिफिट है तभी आप सीखेंगे, अगर आपको वो चीज जरूरी है तभी आप सीख पाएंगे. इसलिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक यू नो माइंडसेट बनाना है कि मुझे सीखना है और इस वजह से सीखना है. अगर ये आप अपना मोटिव नहीं रखते तो आप इसको आधे रास्ते में ही छोड़ देंगे. यू आर गोइंग टू लीव इट ऑन हाफ वे. सो आपको क्या करना है, आपको इम्पोर्टेंस सबसे पहले जानना है कि इंग्लिश क्यों इम्पोर्टेंट है और आप क्यों सीखना चाहते हैं. ठीक है, तो नंबर वन टिप ये है आपको. ठीक है, अगर आप इसको इम्पोर्टेंस नहीं देते, आपको लगता है कि नहीं मैं तो अपना मदर टंग बोल के ही चला लूंगा, तो आपको इसकी जरूरत नहीं है. अब हम लोग मूव करते हैं पॉइंट नंबर टू पे. यहाँ पे मैंने लिखा है कि बी अमंग द गुड इंग्लिश स्पीकर्स. ओके, तो इंग्लिश सीखने के लिए सेकेंड स्टेप, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप जो है वो क्या है कि यू हैव टू बी अमंग गुड इंग्लिश स्पीकर्स. आपको उन लोगों के साथ रहना है जो कि इंग्लिश एकदम अच्छे तरीके से बोलते हैं. ओके, अच्छे तरीके का मतलब ये नहीं है कि बॉम्बास्टिक वर्ड्स, बहुत ही स्टैंडर्ड वर्ड्स उन लोग यूज कर रहे हो एकदम जिसका आपको मीनिंग ही नहीं पता, ऐसा नहीं. मैं क्या बोल रही हूँ कि सिंपल इंग्लिश हो जो कि ग्रामेटिकली करेक्ट हो. ठीक है, अगर आप इनिशियल स्टेज में ही लंबे लंबे सेंटेंसेस और बड़े बड़े वर्ड्स को ध्यान देने लगेंगे तो आप इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे. इसलिए आपको उन लोगों के साथ रहना है जो कि ग्रामेटिकली करेक्ट इंग्लिश बोलते हैं और आपको अवॉइड करना है उन लोगों का कंपनी जो कि रॉन्ग इंग्लिश बोलते हैं. ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि अगर आप गलत चीज सीखते हैं, ठीक है, उसको सुधारने के लिए आपका उतना ही टाइम वेस्ट होगा. एक बार सीखना है, एकदम करेक्ट वे में सीखना है. ऑलराइट, लर्न वंस लर्न परफेक्ट. ऑलराइट, सो आज नहीं होगा, कल नहीं होगा, लेकिन थर्ड डे से ऑटोमेटिकली धीरे 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 इंप्रूवमेंट होगा. और इसके लिए आपको डेडिकेटेड रहना है. सीखना आपको है, आपको डेडिकेटेड रहना है. नेक्स्ट पॉइंट है, आपको एवरी डे यू हैव टू लर्न टू वोकैबुलरीज. ओके, टू वोकैबुलरीज, बिकॉज जब हम लोग बात करते हैं तब हम लोगों के दिमाग में वर्ड्स होना जरूरी है. सेंटेंसेस हम लोग सीख लेंगे दूसरों के जो सेंटेंसेस है जो उन लोग बोलते हैं वो सुन सुन के या फिर टीवी चैनल्स है, उसके बारे में मैं बताऊंगी थोड़ी देर में. टीवी चैनल्स, न्यूज पेपर्स, बुक्स, ये जो चीजें हैं, ये जो मीडियम्स हैं, उनमें से हम लोग करेक्ट सेंटेंसेस बनाना सीख लेंगे. लेकिन हर सिचुएशन तो एक जैसा नहीं होगा ना. जैसे कभी हम लोग बुक के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, कभी सिनेमा हॉल के बारे में, राइट,
कभी कुछ पिकनिक के बारे में, तो वर्ड्स आपके दिमाग में होना बहुत जरूरी है। तो वर्ड्स कैसे सीखेंगे, हर दिन आपको दो वर्ड्स लेने हैं। ओके, यू हैव टू टेक टू वोकैबुलरीज, यू हैव टू लर्न देयर मीनिंग्स। ओके, ओनली टू, आज दो पढ़ा, मीनिंग याद किया, उसको दिमाग में रखिए। ऑलराइट, नेक्स्ट डे जब आप दूसरे दो वर्ड्स सीखेंगे, उसके साथ जो एक दिन पहले आपने सीखा, द वर्ड्स दैट यू हैड लर्न वन डे प्रायर, यू हैव टू रिवाइज दोज टू वर्ड्स एज वेल, सो दैट व्हाट विल हैपन, 2 + 2, 4 वर्ड्स, यू आर रेडी विद इन 2 डेज, यू आर रेडी विथ 4 वर्ड्स। ओके, ऐसे ही आपको कंटिन्यू करना है। ऑलराइट, एट द एंड ऑफ द मंथ हम लोग एक्सपेक्ट नहीं करते कि 60 में से 60 आपको याद होगा, लेकिन 60 में से 50 जरूर याद हो जाएगा, क्योंकि आप एवरीडे रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको वो वर्ड्स चूज करने हैं जो कि आपको डेली लाइफ में चाहिए, और ऐसा करने से आपके पास बहुत कलेक्शन हो जाएगा वोकैबुलरी का, और एक बार सेंटेंस सीख लेंगे आप तो आपको बोलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट में पॉइंट जो डिस्कस करूंगी, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है, वो है फोकस ऑन बैनर्स। देखिए, अभी जो टाइम है, राइट, वो मॉडर्न टाइम में किसी के पास टाइम नहीं है कि वो बैठे बैठ के पढ़े, उसके बाद में एकदम फुल्ली इक्विप होने के बाद में वो फील्ड में जाए, इंटरव्यूज दे और पास होके जॉब गेन करे। ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि हर किसी को कुछ ना कुछ काम है। राइट, तो अभी हम लोगों को क्या करना है, जो टाइम है उसी को यूटिलाइज करना है। कैसे यूटिलाइज करना है, आपका काम अगर ट्रैवल करना है एक जगह से दूसरे जगह, राइट, या फिर अगर आपका काम ट्रैवलिंग करना है और मैक्सिमम काम आपको ट्रैवलिंग के दौरान ही करना है, तो आपको क्या करना है, इंग्लिश भी सीखना है और ट्रैवल भी करना है। तो इस वक्त मैं ये नहीं बोलती कि सेलफोन कंटिन्यूअसली देखें, ट्रैवलिंग करते वक्त आपको कॉशियस होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जब आप बैनर्स देखेंगे, ठीक है, बाहर में जो बैनर्स, पोस्टर्स, होर्डिंग्स जो भी लगा रहता है, उसमें से आपको वर्ड्स पिक करने हैं। ठीक है, कुछ एडवर्टाइजमेंट हो गया, कुछ प्रमोशन हो गया, ठीक है, वहां से वर्ड्स को वैल्यू कीजिए, उसको पिक कीजिए, और अगर आपको वर्ड का मीनिंग मालूम नहीं है तो अपना सेलफोन जल्दी से निकालिए और फिर उसका मीनिंग देखिए। ऐसा करने से क्या होगा, इंस्टेंटली आपको वो वर्ड का मीनिंग पता चल जाएगा। और अगर आप सोचेंगे कि आप घर जाके उसको फिर से देखेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि घर जाएंगे भूल जाएंगे आप। तो इंस्टेंटली जब आपने देखा तभी आपने मीनिंग उसी वक्त पढ़ लिया, तो क्या होगा कि आप नेक्स्ट टाइम उस जगह से जब ट्रैवल करेंगे तो आपको पता होगा कि हाँ, इसका मीनिंग ये है। ऑलराइट, देन यू विल नॉट हैव टू पुट इन एक्स्ट्रा एफर्ट टू अंडरस्टैंड व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड व्हेन यू हैड सीन दैट अ डे और फ्यू डेज प्रायर। ठीक है, कुछ दिन पहले आपने वो वर्ड जो दिखा था उसका मीनिंग क्या था, इसके लिए आपको बॉदर करना नहीं पड़ेगा, आपको पता चल जाएगा इंस्टेंटली। ठीक है, तो दो वर्ड्स आपको डेली लर्न करना है। आप होर्डिंग से लर्न कीजिए, टेबल में बैठकर डिक्शनरी से पढ़िए, ये आपके ऊपर है, लेकिन दो वर्ड आपको जरूर ही करना है, मिनिमम, मैक्सिमम इट्स अप टू यू। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं हम लोग रिपीटेशन। आपको रिपीट करना है कुछ लाइंस जो आप अपने बारे में लिखेंगे, आपको खुद को इंट्रोड्यूस करना ना सीखना है। ठीक है, जब आप जॉब में जाते हैं तो आपका गेटअप देख के उतना इम्प्रेस नहीं होते इंटरव्यूअर्स जितना कि आपका इंट्रोडक्शन से होते हैं। ठीक है, इसलिए आपको वेल प्रेजेंट होके जाना है, उसके बाद में इंग्लिश में आपको इंट्रोड्यूस करना है। इंट्रोड्यूस करने के टाइम में आपको क्या क्या इंक्लूड करना है, मैं जिस अभी बता दे रही हूँ, और इसके लिए मैं वीडियो अलग से बनाऊंगी कि व्हाट वी शुड डू ड्यूरिंग इंटरव्यूज एंड व्हाट वी शुड अवॉइड। ओके, अभी इंटरव्यूज को साइड में रखते हैं, अभी हम लोग फोकस करते हैं इंट्रोडक्शन पे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बोलना है अपना नाम, ओके, आपका एड्रेस, इन शॉर्ट, ठीक है, आपको गली मोहल्ला सब नहीं बताना है, आपको बताना है जगह, जैसे सिटी हो गया, कहाँ से हैं आप, राइट, अगर इंटरव्यूअर्स बाहर के हैं तो सिटी बताएंगे, ठीक है, अगर लोकल है तो गली मोहल्ला बता सकते हैं। नेक्स्ट, आपने पढ़ाई कहाँ से किया, वेयर डिड यू डू योर स्कूलिंग फ्रॉम। नेक्स्ट कम्स, आपका क्वालिफिकेशन कितना है, आपने क्या पढ़ा, कहाँ से पढ़ा,
राइट। उसके बाद में आता है कि आपने ये जॉब क्यों प्रेफर किया और आपका मोटिव क्या है। ठीक है, मैं अपना एग्जाम्पल बताती हूँ आपको। माय नेम इज रोशनी शाह, आई डिड माय स्कूलिंग फ्रॉम दार्जिलिंग, आई हैव परस्यूड एमए इन इंग्लिश फ्रॉम सो एंड सो यूनिवर्सिटी, आई एम वेरी मच डेडिकेटेड टुवर्ड्स माय वर्क, आई विश टू गेट दिस जॉब सो दैट आई कैन मेक अ डिफरेंस इन माय लाइफ एंड इन द सोसाइटी एज वेल। तो ये जो लाइन्स अभी मैंने बोला उसको आपको रिपीट करना है, इसको अपना डिटेल्स दीजिए इसमें, राइट, और उसको एवरीडे रिपीट कीजिए। और एवरीडे रिपीट करने से क्या होगा कि आपका फ्लुएंसी अच्छा होगा, आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे। व्हेन आई वाज इन द स्कूल एट दैट टाइम आई वाज नॉट एज फ्लुएंट एज आई एम राइट नाउ, इट इज बिकॉज एट दैट टाइम देयर वर नो मींस, राइट। राइट नाउ देयर इज फैसिलिटी ऑफ सेल फोन, फैसिलिटी ऑफ यूट्यूब, फैसिलिटी ऑफ डिक्शनरी, ओके, एवरीथिंग इज इन योर हैंड। If you have 10 minutes in your daily schedule, you can utilize that. But in our days, it was not so. Okay? हम लोगों को क्या करना पड़ता था, घर में आके डिक्शनरी खोल के मीनिंग देखना पड़ता था, राइट, और सभी बुक्स एंड कॉपीज इतने हेवी होते थे कि डिक्शनरी कैरी करके ले जाना मुश्किल होता था, राइट, और कभी कभी इंटरेस्टेड भी नहीं रहते थे, ठीक है, इसलिए घर में आके हम लोगों को देखना पड़ता था। लेकिन वो केस अभी नहीं है, आप इंस्टेंटली कुछ भी जल्दी से सीख सकते हैं ये मॉडर्न वर्ल्ड में, राइट। सो व्हाट आई वाज टेलिंग दैट एवरी डे यू हैव टू रिपीट दीज लाइंस, राइट, सो दैट यू विल बी कॉन्फिडेंट। व्हेन आई वाज इन द स्कूल एट दैट टाइम फर्स्ट थिंग दैट आई डिड वाज आई लिसन टू माय फ्रेंड्स, ओके, हु वर गुड स्पीकर्स। बहुत सारे फ्रेंड्स थे जो कि कॉन्वेंट स्कूल से आए थे, राइट, आई यूज्ड टू बी अमंग देम। कुछ फ्रेंड्स मैंने बना लिए थे क्योंकि मुझे इंग्लिश में बोलना था, उनके जैसा बोलना था, यू नो, अभी हम लोग माने या ना माने, कॉन्वेंट जो एडुकेटेड गर्ल्स होती हैं उन लोगों का इंग्लिश बहुत ही रिफाइंड होता है कंपेयर टू अदर बोर्ड्स, राइट, कंपेयर टू अदर बोर्ड्स। बिहेवियर, मैनर, पर्सनालिटी साइड में रखते हैं, हम लोग फ्लुएंसी का बात करते हैं अभी, ठीक है। तो फ्लुएंसी उनका अच्छा होता है, इसलिए मैंने कुछ फ्रेंड्स वैसे बनाए थे जिससे कि मैं सुन सकूं और अपने आप को उनके जैसा बोलने लायक बना सकूं, राइट। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता था कि मैं सुनती थी, आंसर भी मेरे दिलो दिमाग में होता था, लेकिन मैं रिप्लाई नहीं कर पाती थी, राइट। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं बोलती ही नहीं थी, घर में वैसा माहौल नहीं था कि मैं इंग्लिश बोलूं, और स्कूल में मैं कॉन्फिडेंट नहीं थी कि मैं इंग्लिश बोलूं, इसलिए जब मैं रिप्लाई करना चाहती थी तो मुंह से वर्ड नहीं निकलता था। तो ये प्रैक्टिस आपको करना है एवरी डे, घर में बोलिए, ऐसे ही बोलिए। अभी तो रिकॉर्डिंग का भी यू नो यू कैन यूटिलाइज योर मोबाइल फोन एज मच एज पॉसिबल। ऑडियो रिकॉर्डर निकालिए, उसमें आपका इंट्रोडक्शन सेव कीजिए, ओके, रिकॉर्ड कीजिए, उसके बाद सुनिए। अगर आपको लगता है कि नहीं, मैंने ये वर्ड अच्छे से प्रोनाउंस नहीं किया, तो आप फिर से रिकॉर्ड कीजिए। मैक्सिमम यूटिलाइज कीजिए अपने सेलफोन का ताकि आपका इंग्लिश इम्प्रूव हो, ठीक है। और जहां पे भी प्रॉब्लम हो, आप डिक्शनरी जो प्रोनाउंसिएशन स्पीक प्रोनाउंसिएशन अटर करते हैं, राइट, ऑडियो के थ्रू, वो आप डाउनलोड कर लीजिए आप, और उसके बाद में आप अपना इंग्लिश का पढ़ना शुरू कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम इंग्लिश को छोड़ना चाहेंगे तो बहुत ही इजी है, छोड़ सकते हैं, राइट। और हम लोग सोचेंगे कि नहीं, मैं ग्रामर बुक लेके पढ़ूंगी उसके बाद में सीखूंगी, ये कभी नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता, ठीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि ग्रामर के बुक जो भी है वो एक ही झटके में समझ में नहीं आएंगी, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना ही चाहिए, थोड़ा सा नॉलेज, सेंटेंस क्या है, उसके डिफरेंट टाइप्स क्या है, कहाँ पे पंक्चुएशन लगता है, कहाँ पे फुल स्टॉप लगता है, कौन सा नेगेटिव सेंटेंस है, कौन सा पॉजिटिव सेंटेंस है, ये थोड़ा सा जब तक हम लोग डिटेल्स में नहीं पढ़ेंगे तब तक हम लोगों को आइडिया नहीं आएगा। इसलिए मैं ये सजेस्ट नहीं करती कि आप जंप कीजिए ग्रामर बुक में, ये यू नो आइडियल तरीका नहीं है इंग्लिश सीखने का, राइट। जैसे हम लोग इसको कंपेयर कर सकते हैं अपने मदर लैंग्वेज में, राइट, हम लोगों ने मदर लैंग्वेज जब सीखा तो ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने ग्रामर का बुक निकाला, रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़े, उसके बाद में हम लोगों ने बोलने सीखा, ऐसा हुआ नहीं हुआ ना। हम लोग वी आर ऑलरेडी इन टू लैंग्वेज, ओके, वी आर ऑलरेडी इन टू ग्रामर,
देन वी आर यूटिलाइजिंग इट, देन वी आर प्रैक्टिकलाइजिंग इट, राइट। जो हम लोगों को मदर टंग ऑलरेडी पता है और हम लोग बोलते भी हैं, लेकिन कुछ एरर्स होते हैं, लेकिन हम लोगों ने ये सभी कुछ ग्रामर बुक देख के तो नहीं सीखा ना। वैसा ही करना है इंग्लिश में भी, जो भी दिखता है वो पढ़िए, जो भी बोल रहा है उसको सुनिए, ठीक है। और ऐसा होता है कि कभी कभी जो इंग्लिश, जिसका इंग्लिश अच्छा नहीं है वो भी मिल जाते हैं, ठीक है, उसको भी सुनिए और आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे ये मिस्टेक कर रहा है, तो उसको अवॉइड कीजिए। राइट, सबसे अच्छा मीन्स है यूट्यूब देखिए, न्यूज चैनल्स देखिए, ताकि आपको सेंटेंसेस दिमाग में आ जाए और उसको रिपीट करते रहिए। रिपीट किए बिना कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो आज मैं ये 5 जो पॉइंट्स है ये मैंने डिस्कस किया। फर्स्ट पॉइंट में मैंने बताया कि आपको इम्पोर्टेंस पहले ध्यान में देना है कि इम्पोर्टेंट क्यों है इंग्लिश लैंग्वेज। मैंने बताया कि इट्स ब्रेड एंड बटर फॉर मी, unless and until I speak in English, I teach English to my children, then I won't be able to get my bread and butter. I won't be getting my salary, right? So English has become bread and butter right now. Therefore, we have to give importance to this language, right? Not only that, abhi to in each nooks and corner you will find English speaking people, right? लेकिन कुछ लोगों को इंग्लिश बोलने के बाद भी जॉब्स नहीं मिलते, वो हम लोग डिस्कस करेंगे क्यों नहीं मिलते और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, राइट। ओके, फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट में आते हैं कि आपको उनके साथ रहना है जो कि अच्छे से इंग्लिश बोलते हो, ग्रामेटिकली करेक्ट इंग्लिश बोलते हो, क्योंकि आपको एक बार सीखना है सही तरीके से सीखना है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है, आपको हर दिन 2 वोकैबुलरीज रेडी करना ही है। वो वोकैबुलरीज आप मदर टंग में भी यूज कर सकते हैं। मदर टंग में कैसे, सेंटेंस मदर टंग का होगा, ठीक है, सिर्फ फॉर एग्जाम्पल हिंदी में होगा और जो वर्ड है उसको हम लोग इंग्लिश में कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल दे रही हूं, मैं टीवी देख रही हूं, टीवी तो हिंदी वर्ड नहीं है, टीवी इज एन इंग्लिश वर्ड, राइट। तो टीवी को हम लोग क्या करेंगे, रिप्लेस कर रहे हैं हिंदी का सेंटेंस में। वैसे ही करते करते हम लोग बहुत सेंटेंस सीख सकते हैं, बहुत वर्ड सीख सकते हैं, अगर हम लोग 2 वोकैबुलरी एवरी डे लर्न करें, ठीक है, और उसको हम लोग इधर मदर टंग में यूज करेंगे तो ऑटोमेटिकली इंग्लिश में प्रैक्टिस हो जाएगा। नेक्स्ट है, आपको बैनर्स में ध्यान देना है। अगर आपके पास घर में टाइम नहीं है तो आप बाहर भी इंग्लिश सीख सकते हैं, राइट। जो बैनर्स है, होर्डिंग्स है, उसको ध्यान देना है। नेक्स्ट में है आपका, आपको रिपीट करना है कोई भी चीज। आप रिपीट नहीं करेंगे तो आप नहीं सीखेंगे। छोटे बच्चे लोग राइम्स को रिपीट करते हैं, क्यों? क्योंकि उनका जो ये व्हाट डू यू से गला जो है वो खुले, ठीक है, अदरवाइज ऐसा होगा कि आप बोल ही नहीं पाएंगे। कुछ कुछ बच्चे ऐसे हैं, देयर आर सम चिल्ड्रन जो कि सिर्फ अपने फैमिली के साथ ही रहते हैं, ठीक है, और जब वो बाहर जाते हैं, जब स्कूल में उनका दाखिला होता है, देन दे आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट विद देयर पीयर ग्रुप्स, ठीक है, वो अपने छोटे छोटे दोस्तों के साथ भी नहीं बोल पाते। ये इसलिए क्योंकि उनको सोशलाइज नहीं किया गया। वही प्रॉब्लम होता है जब हम लोग इंग्लिश बोलते हैं, घर में पढ़ लेते हैं हम लोग, दिमाग में भी उसका मीनिंग मालूम है, कोई कुछ बोले तभी पता है, लेकिन हम लोग रिप्लाई नहीं कर पाते। ये इसलिए क्योंकि हम लोगों ने प्रैक्टिस नहीं किया। तो नंबर 5 में क्या मैंने लिखा है, रिपीट करना है। एवरी डे यू हैव टू रिपीट, राइट समथिंग एंड रिपीट, ठीक है। ये पहले तो आप अपने बारे में बोलेंगे ना, सीखेंगे अपने बारे में ही बोलने से, क्योंकि वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। जब तक आप अपना इंट्रोडक्शन अच्छे से नहीं देंगे तो बाकी चीजों को क्या डिस्क्राइब करेंगे, है ना। तो हम लोग पॉजिटिव रहते हैं इंग्लिश सीखने के लिए। जो मैंने 5 पॉइंट्स बोला इस पे आप कमेंट कीजिए, उसके बाद में मैं ब्रॉडर एस्पेक्ट पे जाऊंगी, ठीक है, ताकि हम लोग इंग्लिश सीख सकें। और बाकी जो टिप्स है वो मैं अगले वीडियो में इंक्लूड करूंगी। तब तक के लिए आप वेट कीजिए, और कुछ इम्प्रूवमेंट आप चाहते हैं इस वीडियो में, या कुछ क्वेश्चंस है जो कि मैंने आंसर नहीं दिया आपको, वो प्लीज डू मेंशन इन द मैसेज बॉक्स, सो दैट आई कैन मेक अ वीडियो, आई कैन रिप्लाई टू योर क्वेश्चंस, एंड इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू ऑल। ओके, सो बाय दिस आई साइन अप, आई टेक लीव फ्रॉम यू ऑल। टेक केयर, बाय।